नमस्कार, मैं आरके सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। तो आज हम इस स्पेशल वीडियो में बात करने वाले हैं नीट यूजी 2024। तो नीट यूजी 2024 का रिजल्ट आपका आ चुका है और कई दृष्टियों में ये रिजल्ट थोड़ा सा अद्भुत है। तो 23 लाख के लगभग स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया था आपका, और इसमें कुछ बातें अभूतपूर्व हुई हैं, ऐतिहासिक हुई हैं, तो उन बातों की मैं चर्चा करूंगा इसमें। और थोड़ा सा जो कट ऑफ है वो थोड़ा नहीं कहेंगे, काफ़ी ऊपर गया है। जो अच्छे अच्छे नंबर 600 नंबर, 600 से ऊपर नंबरों पे काफ़ी लंबी लंबी आपकी इंडिया रैंक बन रही है। तो अभी स्टेट रैंक आना बाकी है, तो बच्चे निराश ना हो। स्टेट रैंक में निसंदेह रूप से जो काफ़ी लंबी रैंक है वो छोटी रैंक हो जाएगी और सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो में आज हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो आपका जनरल है, EWS है, OBC है, आपका STSC है, और मध्य प्रदेश में जो GS कोटा है, तो जो स्टेट रैंक में आपके कितने नंबर तक आपको मिले कि आपको स्टेट लेवल का कॉलेज आपको स्टेट रैंक में मिल जाए, तो इस पर मैं चर्चा करूंगा आज। और जैसा हमने बताया कि ये नीट 2024 थोड़ा सा अभूतपूर्व था, ऐतिहासिक था, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी ऊंचा गया है। पहली बार अभी तक इतना कट ऑफ नहीं गया है कभी, अच्छे अच्छे नंबर में जिसमें सिलेक्शन होते थे आपके, काफ़ी लंबी लंबी रैंक मिल रही हैं। और एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण हुई है इसमें कि लगभग इंडिया की 67 बच्चियों ने जो है वो फुल परफॉर्मेंस किया है। जी हाँ, 720 में 720 नंबर प्राप्त किए। तो आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे निराश ना हो जिनकी लंबी लंबी रैंक है या उन्होंने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, 600 के ऊपर प्राप्त किए हैं, 600 प्राप्त किए हैं या इससे कम नंबर प्राप्त किए हैं जिनमें जनरली सिलेक्शन हो जाता था। तो इस बार अधिक रैंक होने के कारण से ये बच्चे निराश हो रहे हैं, तो निराश ना हो। हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, अभी आपकी जो स्टेट रैंक वो आना बाकी है। तो जैसे कुछ राज्यों को हम देखें, जैसे राजस्थान है आपका, आपका महाराष्ट्र है, आपका बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो इनमें जो इंडिया रैंक और जो आपका स्टेट कोटा होता है, स्टेट रैंक होती है, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन यदि हम कुछ राज्यों की बात करें, जैसे कि हम मध्य प्रदेश की बात करें, आपका छत्तीसगढ़ की बात करें या कुछ अन्य स्टेट है, तो ये देखा गया है कि इन स्टेटों में जो स्टेट कोटा होता है तो उसमें रैंक जो है वो कम आती है, जबकि हमारी जो इन नेशनल रैंक है वो काफ़ी अधिक होती है। तो हम यही कहेंगे कि बिल्कुल निराश ना हो, अभी स्टेट रैंक आना बाकी है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि अगर आपके कितने नंबर तक हैं तो आपको आपका चांस है कि आपको स्टेट रैंक से आपको जो है कॉलेज MBBS कॉलेज मिल जाए। तो चलिए, हमने एक चार्ट बना रखा है, हमने काफ़ी विश्लेषण किया है, पिछले साल का हमने रिजल्ट देखा है और बच्चों से हमने बात की है जो अच्छे लेवल के बच्चे हैं, MP लेवल के। कई बच्चों ने हमको अपने नंबर बताए हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से, तो उनमें हमने एक निष्कर्ष निकाला है और ये मेरा अनुमान है, तो उसको आप देखें। तो अब हम बात कर रहे हैं स्टेट कोटा की, तो खास तौर से आपके जो हमने राज्य बताया आपके मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ स्टेट कोटा, स्टेट रैंक और इंटरनेशनल रैंक में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आपका जो स्टेट रैंक है उसमें कितने नंबर तक आप लाएं। हम यहाँ पे राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा अंतर होता है रैंक में, लेकिन जो हमने स्टेटों की बात की है, मध्य प्रदेश खास तौर से, छत्तीसगढ़ है आपका, तो यहाँ पे जो रैंक है, इंडिया रैंक और
आपका स्टेट रैंक में काफी डिफरेंस होता है, काफी नंबर ऑफ डिफरेंस होता है, 30 से 40 नंबर का भी डिफरेंस होता है। तो कितने नंबर तक आपके MBBS कॉलेज मिलने के चांस है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले जनरल की। तो जी हाँ, यदि आप जनरल से हैं और आपने 580 से 590 नंबर तक आपने प्राप्त किए हैं नीट 2024 में, तो स्टेट रैंक आप इंतजार कीजिए। स्टेट रैंक में आपको पूरे चांस है कि आपको MBBS कॉलेज मिल जाए। चलिए हम बात करते हैं EWS की। तो EWS की निसंदेह रूप से जिनके पास EWS है उन्हें नीट जैसे एग्जाम में काफी नंबरों का फायदा होता है। तो EWS के में जो अगर आपके नंबर हैं 570 से 575 तक, तो आपके जो है वो होने के चांस है, सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलने के चांस है। अब हम बात करते हैं आपका OBC की। तो हमें यहाँ ध्यान रखिएगा कि हम स्टेट बैंक की बात कर रहे हैं। तो OBC में यदि आपके लगभग 572 या इसके आसपास नंबर हैं, तो आपको जो है मेडिकल मिल सकता है। चलिए हम बात कर रहे हैं अब SC की, शेड्यूल कास्ट की। तो यदि 560 से 565 नंबर तक अगर नंबर आपके आ रहे हैं, तो स्टेट रैंक में आपको जो है वो कॉलेज मिलने के काफी अच्छे चांस हैं। और अब हम बात करेंगे आपकी ST की। जी हाँ, शेड्यूल ट्राइब की। तो इसमें यदि आपके 520 से 540 नंबर तक आ रहे हैं, तो आपको अच्छे चांस है आपका कि आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाए। अब एक विशेष हम बात करने वाले हैं GS कोटा की। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश के लिए है, GS कोटा, गवर्नमेंट स्कूल कोटा। तो इसमें 5% सीटें आपकी रिजर्व रहती हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने 6 से लेकर के 12th तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सरकारी स्कूल में अध्ययन किया है। तो इसके बारे में हमने कई वीडियो भी बनाए हैं, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और इसका जो सर्टिफिकेट है आपका GS कोटा का, तो ये आपका काउंसलिंग के दौरान ही लगता है आपका। तो अभी आपके पास समय है क्योंकि काउंसलिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। तो GS कोटा अगर आप का लाभ मिल रहा है, आप GS कोटा में आप आ रहे हैं, तो निसंदेह रूप से आप GS कोटा का सर्टिफिकेट बनवाएं। और GS कोटा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे जो है व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज करें, तो हम आपको वो वीडियो जो GS कोटा के बारे में पूरी जानकारी देता है हम आपको भेज देंगे। तो चलिए GS कोटा, तो GS कोटा का कट ऑफ भी बढ़ा है निसंदेह रूप से 2023 नीट में ये इसे लागू किया गया था, तब बड़े इसके आश्चर्यजनक परिणाम आए थे आपके 137 नंबर। जी हाँ, 720 में 137 नंबर, 150 नंबर में आपके जनरल कैटेगरी में बच्चों को जो है वो आपका रीवा, आपका छतरपुर जैसे MBBS कॉलेज मिले हैं। लेकिन अब हमारा ये मानना है कि अब लोगों में जागरूकता आई है, काफी लोग GS कोटा के बारे में जानकारी हो गई है, तो इसका कट ऑफ भी बढ़ रहा है। और इसका कट ऑफ कितना जा सकता है आपका, तो 250 से 300 नंबर तक। यदि आपके 720 में 250 से 300 नंबर तक है, या थोड़ा बहुत 250 से कम नंबर भी है, तो निसंदेह रूप से आप GS कोटा का लाभ उठाएं, GS कोटा का सर्टिफिकेट आप काउंसिल के दौरान लगाएं। तो ये तो हमारा नंबर थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनके नंबर और कम है, तो बिल्कुल वो भी निराश ना हो, क्योंकि अभी एक सूचना आई है आपकी कि मध्य प्रदेश में जो वेटनरी कॉलेजों के लिए एक अलग से आपका स्टेट लेवल का एग्जाम होता था, तो वो एग्जाम इस बार नहीं हो रहा है और आगे भी शायद उसको बंद कर दिया गया है। तो अब नीट के नंबरों से आपको वेटनरी कॉलेज भी मिलेंगे, आपको BMS कॉलेज भी मिलेंगे, और खासतौर से जो बच्चियां हैं तो उनको कम नंबरों पर, भले उनको MBBS कॉलेज नहीं मिल रहा है, डेंटल कॉलेज नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको आर्मी, नर्सिंग, जी हाँ, और इसमें आपका और भी इस तरह के आपके मेडिकल कोर्स हैं वो आपको मिल सकते हैं। यदि आप वो कोर्स लेना चाहते हैं तो निसंदेह रूप से आप वो कोर्स ले सकते हैं। और यदि आप में जुनून है, जी हाँ, अगर जुनून है कि नहीं सर हमको MBBS कॉलेज ही लेना है, वो भी सरकारी कॉलेज लेना है, तो आपके नंबरों को बढ़ाने का प्रयास करिए। मतलब कि हम दुगनी ताकत से नीट 2025 को हम टारगेट करें, और जो भी हमसे छोटी मोटी गलतियां हुई हैं वो हमको मालूम पड़ रही होगी, क्योंकि अपनी गलतियां जो है वो खुद को ही ज्यादा समझ में आती हैं। तो जो भी आपने गलत मिस्टेक की है, गलतियां की हैं,
उनमें सुधार करिए और दुगनी ताकत से नीट 2025 को क्रैक करने के लिए जुट जाइए। और यहाँ पे हम थोड़ा सा सूचना दे दें कि जो हमारे विंध्य प्रदेश में जो आसपास के बच्चे हैं जो आर्थिक दृष्टि से आपके कमजोर है, बाहर जाकर के 2 से 2.5 लाख रुपए नीट की फीस नहीं दे सकते हैं, बाहर रहने के उनके काफी खर्चे भी होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हमने बहुत ही न्यूनतम फीस में नीट 2025 के लिए आपका डॉपर बैच हमने स्टार्ट किया है। और उसमें हमारी न्यूनतम फीस जो है वो बहुत ही कम फीस है, उसके बारे में आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, 930-281-2239। तो एक बार हमारा डॉपर बैच जरूर देखें, बहुत न्यूनतम फीस है, ऐतिहासिक फीस कह सकते हैं हम इसको, कि इतनी न्यूनतम फीस में कहीं भी आपको किसी भी स्थान पे आपको नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करने का अवसर नहीं मिल सकता है। और जो भी क्वालिटी है हमारी, तो क्वालिटी से हम परिपूर्ण हैं। हमारे यहाँ जो सभी टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं आपके डॉपर बैच में, वो सभी आपके नीट क्रैक किए हुए MBBS कर रहे हैं या MBBS कर चुके हैं, यानी कि MBBS डॉक्टर हैं आपके। और स्टडी मटेरियल भी जो हमने पिछले वर्षों में देखा है 2-3 एग्जामों में, कि अब आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपका सिलेबस बहुत सीमित है। और 11th-12th में जो आपकी NCERT फिजिक्स केमिस्ट्री बाई चलती है, उसी पे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें, उसको एक बार नहीं दो बार नहीं कई बार पढ़ें, उसको मनन करें, उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करें। तो हम इस तरह के नोट्स भी NCERT आधारित हमने नोट्स बनाए हुए हैं, तो हम उसको भी दे रहे हैं। और हमने एक आपके 18 टेस्टों की हमने टेस्ट सीरीज भी इसी कोर्स के साथ हमने शामिल कर रखी है। तो निसंदेह रूप से यदि आप कहीं कोचिंग करना चाह रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति उतना मजबूत नहीं है कि आप ऊंची ऊंची फीस दे सकें, तो एक बार हमसे जरूर संपर्क करें। तो आज इतना ही, इसके संबंध में जो भी नए अपडेट मिलेंगे स्टेट रैंक भी मैं आपको बताऊंगा, और उसमें भी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, और काउंसलिंग कैसे करना है आपको उस संबंध में भी हम वीडियो बनाएंगे। तो यदि आप इस संबंध में अपडेट रहना चाहते हैं तो आप निसंदेह रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैं RK सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, नमस्कार, धन्यवाद।